महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची प्रतिमा सोमवार को अचानक से गिर गई। वहीं इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस ने मेसर्स आर्टिस्ट्री कंपनी के मालिक जयदीप आप्टे और स्ट्रक्चरल कंटेस्टेंट चेतन पाटिल के खिलाफ मामला दर्ज किया। आपको बता दें कि पुलिस ने दोनों ही लोगों के खिलाफ BNS की धारा 109, 110, 125 और 318 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बात यह है कि बीते दिन सोमवार पहले दोपहर करीब 1 बजे मालवन के सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची प्रतिमा ढह गई। वहीं घटना के बाद हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि इस मूर्ति का अनावरण PM मोदी ने किया था। एक अधिकारी ने बताया कि विशेष इमारत ढहने से सही कारण का अभी पता लगाएंगे, लेकिन जिले में पिछले 2 से 3 दिनों में भारी बारिश और तेज हवाएं देखी गईं। वहीं इस घटना के संबंध में बयान जारी करते हुए नौसेना ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना घोषित किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसको लेकर तुरंत जाँच करने के और जल्द से जल्द प्रतिमा की मरम्मत पुनर्स्थापना के लिए कदम उठाने के लिए एक टीम को तैनात किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा बनाने में 3600 करोड़ की लागत लगाई गई थी और उसके बाद ये मूर्ति का गिरना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ने जांच के आदेश दिए, लेकिन शिवसेना उद्धव गुट ने शिंदे सरकार को निशाना बनाया और कहा कि जल्दबाजी में उद्घाटन किया गया और शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के बाद पास के लोक निर्माण विभाग के कार्यालय पर पथराव किया गया, जिसकी वजह से दफ्तर के शीशे टूट गए और अंदर बैठी महिला कर्मचारी घायल हो गई। आरोप शिवसेना उद्धव के विधायक विभव नायक पर लगा है। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। खड़ा करते वक्त अगर ये पुतले में खड़ा करने वाले कॉन्ट्रैक्टर ने अगर ये काम में चोरी की होगी, कमीशन खोरी की होगी, दलाली खाई होगी, अब ये क्या छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले में भी ये सरकार कमीशन खाएगी? कौन है ये ठाणे का कॉन्ट्रैक्टर जिसके पास में करोड़ों के काम है? उसके ऊपर तुरंत FIR करो, अगर तुम ईमानदार हो तो उसके ऊपर कार्रवाई करो, उसको ब्लैक लिस्टेड करो और छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला पूरे फिर से उनके तरफ से ही खर्चा वसूल करके खड़ा करने का। किसी को भी करने का हक छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में नहीं है, ना तो नेवी के बारे में है। ये दोनों अबव एवरीथिंग है, क्योंकि ये शूर जवान है जो हमारी रक्षा करते हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने स्वराज की स्थापना की, पहले नेवल किंग थी जिनको खुद की जो नौकाएं थी वो विजय दुर्ग में बनती थी और विजय दुर्ग नेवल हेडक्वार्टर था छत्रपति शिवाजी महाराज का। ये पहला सी फोर्ट है जो खुद छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया, तो हर किसी को अभिमान होना चाहिए, ना कि इसमें राजनीति होनी चाहिए।